आज मेरे दिल में आपके लिए नफरत इतनी बढ़ गई है, सारी जिंदगी लगा कर भी आप उसे मिटा नहीं पाएंगे। तुम्हें मुझसे जितनी नफरत करनी है कर लो, लेकिन अगर तुम्हें हिम्मत है ना तो जाके नूर अम्मी को सब कुछ सच सच बता दो, और अगर तुम्हें हिम्मत नहीं है तो फिर मेरा इस झूठ छुपाने में साथ दो। आफरीन पे भरोसा करना तुम्हारी मजबूरी होगी क्योंकि तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है, लेकिन मेरी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। अब तक तो मैंने तुम्हारे शौहर से ताल्लुक खत्म कर रखा था, लेकिन आज के बाद मेरा तुमसे भी कोई रिश्ता नहीं है। बात क्या है, तुम लोग पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो? कोई ऐसी बात है जो मुझे मालूम नहीं? अम्मी, अब आपकी उम्र ज्यादा हो गई है और हम सब बहुत बड़े हो गए, इसलिए ऐसा बहुत कुछ है जिसके बारे में आपको नहीं पता। और हाँ, आफरीन, जहांजेब और सोफी वापस टर्की जा रहे हैं। ये तुम क्या कह रही हो? हम इस बारे में बात कर चुके हैं, आफरीन नहीं जाना चाहती। लेकिन आफरीन अब राजी है, अगर आप चाहें तो उससे पूछ सकती हैं। अच्छा, तो कल वो इस दबाव में थी? किसी दबाव में नहीं है। प्लीज आप मसले को खामखा इतना कॉम्प्लिकेट ना करें। जहांजेब और हम सब की यही राय है। तो फिर साफ साफ सुन लो, आफरीन अगर चाहती भी है तो भी इस घर से नहीं जा सकती। जहांजेब, खाने के बाद मेरे कमरे में मुझसे मिलो। कल से देख रही हूँ कि आफरीन बहुत परेशान, बोली कुछ नहीं, क्योंकि अपने लिए तो बोलना उसने सीखा ही नहीं। मुझे बताओ, आखिर ऐसा क्या हो गया है कि अफशा उसके खिलाफ दिल में ऐसी नफरत पाल रही है? हो सकता है बिजनेस का कोई टेंशन उसे अपने सर पर ले लिया हो। अफशा इतनी कमजोर नहीं है कि बिजनेस का गुस्सा घर पे निकाले, वो भी आफरीन पर। तुम अपनी बहन को शायद जानते नहीं हो, लेकिन मैं अपनी बेटी से अच्छी तरह वाकिफ। बताओ मुझे, बताओ क्या हुआ, साफ साफ बताओ। अफशा चाहती है मैं आफरीन को लेकर यहाँ से चला जाऊं। तो सबको तो पता है मैं आफरीन को इस तरह से हालत में छोड़ के नहीं जा सकता, इसलिए मुझे भी उसके साथ जाना पड़ेगा। और मेरे जाने के बाद अफशा ये सारा बिजनेस और सारी प्रॉपर्टी खुद संभाल लेगी। इतनी छोटी सोच है आपकी बेटी की। अफशा, तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? अम्मी, जब हकीकत नजरों के सामने आ जाए ना तो सोचने समझने की जरूरत नहीं रहती। खामोश रहो। तुम जानती हो आफरीन मेरे लिए कितनी अहम है, और तुम उसे मुझसे दूर भेजना चाहती हो। लेकिन अम्मी, ये याद रखना, अगर आइंदा आफरीन को इस घर से निकालने का ख्याल भी तुम्हारे जहन में आया ना तो वो जाए ना जाए मैं इस घर से चली जाऊंगी। Start of my business. देखने में कितनी मासूम लगती हो ना तुम, इतनी खूबसूरत। धोखा इतना नूरी हो तो फरिश्ते भी धोखा खा जाए, तो फिर मेरी माँ क्या चीज है? तुम जानती हो
मेरी माँ ने मुझसे अपनी सगी बेटी को कल ये कह दिया कि अगर मैंने तुम्हें यहां से जाने के लिए कहा तो वो भी ये घर छोड़ के तुम्हारे साथ चली जाएंगी। बहुत खुशी हो रही होगी ना तुम्हें ये सुनकर, लेकिन तुम्हें अंदाजा है आफरीन, जब अम्मी को तुम्हारी हकीकत का पता चलेगा तो उनपे गम का कितना बड़ा पहाड़ टूटेगा। आफरीन, आफरीन डॉक्टर के पास चलते हैं। कोई जरूरत नहीं है तुम दोनों को कहीं जाने की, ये ड्रामे मेरी अम्मी के सामने करना जिनको तुम्हारी हकीकत का अंदाजा नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं है तो इसके डॉक्टर से फोन करके आप पूछ लें कि क्या कंडीशन है इसकी। हमें हॉस्पिटल जाना होगा, मैं गाड़ी निकाल रहा हूं। किंजा कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या है, क्यों रोई जा रही हो तुम? क्या हुआ, सब खैरियत है? तनी अम्मी कुछ नहीं बता रही, सिर्फ रो रही है। किंजा कुछ बोलो तो सही। वही जो आफरीन चाहती थी वही हुआ है, मेरा बच्चा अब नहीं रहा। क्या क्या कहा तुमने? ये सब कुछ इतना अचानक कैसे हुआ? मेरे खुदाया, यही होना था नूर अम्मी, क्योंकि मैं अकेली अम्मी के साथ अस्पतालों के चक्कर लगाती रही और मुर्तजा वो आफरीन के साथ कभी यहां मिलता रहा कभी वहां मिलता रहा, यही होना था ना। किंजा क्या कह रही हो तुम, होश में हो? मैं ठीक कह रही हूँ नूर अम्मी, आफरीन ने मेरे बच्चे की जान ली है। सब संभालो अपने आप को, किंजा चलो संभालो अपने आप को, चलो। ये क्या हो रहा है इस घर में, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अस्पतालों के चक्कर लगाती रही और मुर्तजा वो आफरीन के साथ कभी यहां फिरता रहा कभी वहां फिरता रहा, आफरीन ने मेरे बच्चे की जान ली है। किंजा का नुकसान देखकर भी तुम्हारी रूह नहीं कांपी, जानती हो ना उस औरत की परेशानी की वजह सिर्फ तुम हो, किंजा की गोद सूनी हो गई उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं, अगर तुम्हें मेरी मां की थोड़ी सी भी परवाह है ना तो मुर्तजा से कहो बिजनेस का बहाना करके यहां से चला जाए प्लीज। कम से कम मेरी मां को जहांजेब की औलाद की खुशी देखने दो, जिसके लिए वो सदियों से इंतजार कर रही है, प्लीज। यहां तुम सोफी के साथ मसरूफ हो और आफरीन ने मुर्तजा के साथ अपनी मसरूफियत ढूंढ ली। व्हाट रबिश, वो दोस्त है उसका। कदमों के निशानात बता देते हैं कि आने वाला कहां से आ रहा है, मुझे पता है मैंने क्या देखा है जहाजेब।
वक्त मैं कितने तकलीफ में हूँ सिर्फ मेरा दिल जानता है, और मुझे नहीं पता कि अम्मी ये गम बर्दाश्त कर भी पाएंगी या नहीं। इसलिए बेहतर होगा कि इस बात को यही दफन कर दिया जाए। किंजा, किंजा कहाँ है? सो रही है। तुम मेरे कमरे में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आ रहा हूँ। सब ठीक है? मैं तुमसे कुछ मांगूंगी, प्लीज इनकार मत करना। आज बस जान नहीं मांगी, क्योंकि अभी मुझे तुम्हारा और भी ख्याल रखना है। क्या हुआ है? तुम कोई भी बहाना बनाकर इस घर से चले जाओ। किंजा के साथ किसी नए घर में शिफ्ट हो जाओ प्लीज। ये तुम्हें जासिम ने कहा है ना? नहीं, अब आप ही ने। वो बिल्कुल ठीक ही कह रही हैं। इसका मतलब है तुम उनकी बात मान गई हो? हाँ, क्योंकि यही ठीक है इस वक्त। मुझे हर रोज उनकी नम आंखें याद आती हैं, जो तकलीफ की शिद्दत में मुझसे सवाल करती हैं, आखिर क्यों आफरीन, क्यों? जब भी मुझे अफशापी नजर आती हैं, दिल चाहता है कि जमीन फटे और मैं उसमें छुप जाऊं। फिर मैं रोज यही सोचती हूँ, अगर उनकी जगह नूरम्मी होती तो। एक बार तुम्हें जहां से अपने हवाले किया था मैंने, दोबारा ये किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा। तुम मुझे किसी के हवाले नहीं कर रहे मुर्तजा, मैं तो अब सिर्फ तुम्हारी। मेरा दिल, मेरी रूह, मेरी धड़कन, सब तुम्हारा है। तो फिर क्यों मुझे तुम खुद से दूर जाने को कह रही हो? मैं तुम्हें खुद से दूर कहां कर रही हूं पागल। जब दो दिलों में प्यार हो ना, तो फासले कितने भी बढ़ जाए, दिल और करीब आ जाते हैं। सोचो, मैं हर रोज तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम इस घर के दरवाजे पर दोबारा कब आओगे? हर दस्तक पर दरवाजा खोलूंगी और दहलीज पर खड़ी रहूंगी, और जिस दिन तुम नहीं आओगे ना, सारी रात बैठकर सोचती रहूंगी कि तुम क्यों नहीं आए। और फिर अगले दिन और शिद्दत से तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम्हारी आवाज सुनने को तड़पती रहूंगी,
तुम्हारी झलक देखने को तरसती रहूंगी और तुम्हारे इश्क का समंदर हर गुजरते दिन के साथ मेरे दिल में और भी गहरा होता जाएगा। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना तो आप खुद जाके देख लें। आफरीन, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, बेपनाह मोहब्बत। तुम चाहे लाख जाओ लेकिन तुमसे दूर जाने की हिम्मत मुझ में नहीं। नूर अम्मी, आफरीन, आफरीन, मुर्तजा पकड़ो उसे। आफरीन, शुक्र है तुम्हें होश आ गया। मैं समझती हूँ बेटा, जब अपना शौहर ही साथ ना दे तो औरत अंदर ही अंदर बिखरने लगती है। लेटी रहो, लेटी रहो। अब कैसी तबीयत है? मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस हल्के से चक्कर आ गए थे। एक हाथ ठीक हो तुम, एक घंटे से बेहोश हो। बहुत परेशान हो गई हूँ डॉक्टर की बातें सुनकर। उसका कहना है कि तुम्हारा वेट गिर रहा है जबकि बच्चे के पैदा होने में सिर्फ 3 माह रह गए हैं। तुम्हें अपना ख्याल रखना है। डॉक्टर कह रही थी तुम अंदर ही अंदर कुढ़ती रहती हो, किसी से दिल की बात नहीं करती। बेटा, उससे बात करो, क्या बात है, मैं तुम्हारा बोझ बटा सकती हूँ। इंसान के दिमाग में अगर फुतूर हो ना तो उसे हर चीज में खराबी ही नजर आएगी। इतनी शर्मिंदगी हो रही है मुझे, तुम्हारे कहने पे मैं आफरीन और मुर्तजा को देखने क्यों गई? नूर अम्मी, अगर आफरीन खुशकिस्मत है ना तो उसका हरगिज ये मतलब नहीं कि वो मुजरिम नहीं। आफरीन और मुर्तजा आपस में एक लफ्ज भी अगर तुमने जबान से निकाला ना, मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगी। वो दोनों बचपन के दोस्त हैं, क्या तुम जानती नहीं हो? तो अफशा, आप ही भी गलत है, सोफी, हानिया, हम सब गलत है। आफरीन सोफी की सौतन है, हानिया जहांजेब से शादी करना चाहती थी, और अफशा, अफशा ने तो जहांजेब के बारे में अपने दिल में इतनी नफरत पाल ली है कि वो किसी भी बात पर यकीन कर लेगी। तुम्हें अगर शिकायत है ना कि मुर्तजा आफरीन से बात क्यों करता है तो ये तुम्हारा हक है, मैं मुर्तजा से बात कर लूंगी। लेकिन अब अगर तुमने आफरीन के खिलाफ कोई बात की ना तो इस छत के नीचे नहीं रहने दूंगी। सही कहते हैं लोग, हकीकत चाहे कुछ भी हो लेकिन लोगों को वो ही नजर आता है जो वो देखना चाहते हैं। आप आफरीन को इस घर की रोशनी समझ रही हैं और यही आपको नजर भी आ रहा है, लेकिन असल में वो ऐसी आग है जो इस घर को जला के राख कर देगी। बस ये आखिरी बार है कि तुमने आफरीन पर इल्जाम तराशी की है। अगर दोबारा ऐसा हुआ ना, वो दिन इस घर में तुम्हारा आखिरी दिन होगा।
इंसान को कभी कभी कुछ चीजें दूसरों के लिए भी करनी पड़ती हैं। भले दिल ना चाह रहा हो, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़कर यहां से चला जाऊं। मुर्तजा, क्या फासले दिलों के दरमियान भी दूरियां पैदा कर देते हैं? क्या दूरियां मोहब्बत की आंच को कम कर देती हैं? क्या दूरियां मोहब्बत को कम कर देती हैं? तुम दुनिया में कहीं भी चले जाओ, क्या कभी मेरे दिल से दूर रहोगे? ठीक है, लेकिन मैं तुमसे दूर किसी की वजह से नहीं जा रहा, बल्कि तुमसे दूर सिर्फ इसलिए जा रहा हूं कि मैं नहीं चाहता तुम्हारे डिप्रेशन का असर हमारे बच्चे पर पड़े। जरूर कोई फ्रेंडली गपशप चल रही होगी। जब आंखें जबान से ज्यादा बातें करने लगे ना, तो अल्फाज के जरिए उन्हें झुटलाने का कोई फायदा नहीं होता। और भले किंजा मेरी दोस्त है, अगर तुम्हारे दिल में मुर्तजा के लिए कोई फीलिंग्स हैं, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तकलीफ है तो बस इस बात की कि अगर तुम मुर्तजा से प्यार करती थी तो तुमने जहांजेब से शादी क्यों की? मुझे बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? सिर्फ तुम्हारी वजह से जहांजेब आज मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। क्यों बर्बाद किया तुमने मुझे? क्यों? इफी यार, ये गेम एक पजल है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, सॉल्व कर दो ना। अभी नहीं, बाद में खेलेंगे, अभी तुम जाओ। ये क्या बात है इफी, तुम तो मुझे लिफ्ट ही नहीं करा रही। रामेश बाहर जाओ, मुझे आफरीन से कुछ जरूरी बात करनी है। सबको सबसे बात करनी है, लेकिन किसी को मुझसे नहीं करनी। देखो अफरीन, तुम्हें अफशा की बातों को इतना ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। अच्छी तरह से जानती हो तुम्हारा टेंशन और एंजाइटी लेना बच्चे के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। तुम सब कुछ भूल जाओ और सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचो। मुझे किसी भी बात का इल्जाम मत दें। ये सब जो हो रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपका किया धरा है। मैंने जिंदगी में कभी भी किसी से फरेब नहीं किया, किसी से झूठ तक नहीं बोला। मेरी शख्सियत, मेरा किरदार, ये मेरा सबसे बड़ा फखर था। और आज मैं अपने प्यारों से फरेब कर रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ, किसकी वजह से? लेकिन खैर, वो शख्स क्या जाने इस झूठ की तकलीफ, जिसकी अपनी सारी जिंदगी झूठ पर मबनी हो। मेरा झूठ मेरी मजबूरी था। मजबूरी नहीं, आपकी बुजदिली थी। आपने अपने लिए आसान रास्ता ढूंढकर मुझे मेरी जिंदगी को अजाब में झोंक दिया और गिरा दिया मुझे सबकी निगाहों में। और अब आप चाहते हैं कि मैं ऐसे रहूं जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। अफशा, आप ही का एक एक जुमला तीर की तरह लगता है मेरे दिल में, और दिल चाहता है कि उनके गले लग के रोऊं, उन्हें बताऊं कि उनकी आफरीन मरकर भी उनके साथ धोखा नहीं कर सकती। कुछ भी करने से पहले यह सोच लेना कि हमने सब कुछ नूर अम्मी के लिए किया है, और अगर उनमें मेरा सच बर्दाश्त करने की हिम्मत होती तो मैं ये झूठ कभी नहीं बोलता। झूठ, सरासर झूठ बोलते हैं आपके अंदर किसी और की परवाह करने का जज्बा ही नहीं है। मैं समझती हूँ, मैं बेहस हूं, खुकड़ा जूबे पर वाऊ, लेकिन तुम तो बहुत सेंसिबल हो ना, सबका दर्द महसूस कर लेती हो। तो ये क्यों नहीं समझती कि कोई बात किसी को कितनी तकलीफ पहुंचा सकती है? बस इतना याद रखना, अगर इस बच्चे को कुछ हुआ
तो नूर अम्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। अगर डॉक्टर ने जो कहा है वो वाकई सच साबित हुआ तो नहीं, मैं अपनी आफरीन और बच्चे को कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। अपनी तकलीफ तो मेरी आफरीन ने कभी किसी से बांटना सीखी ही नहीं, सारे का सारा दर्द अपने अंदर ही समेट लेती है। तुम दुनिया में कहीं भी चले जाओ, क्या कभी मेरे दिल से दूर रहोगे? दिन ऐसा नहीं गुजरा जब मैंने ये ना सोचा हो कि काश मैं शादी से पहले नूर अम्मी को बता देती कि मैं मुर्तजा से मोहब्बत करती हूँ, तो आज हमें अपनी मोहब्बत को गुनाह की तरह छुपाना ना पड़ता। तुमने जो भी कुछ किया मुझे फख्र है तुम पर। आज मैं तुम्हें तब तक फोन करूंगी जब तक तुम मेरा फोन नहीं उठाओगे। हेलो, बोले क्या काम है? घर आके तुमसे बात करूंगा, तमाशे करना बंद करो। ठीक है,
आई एम वेटिंग फॉर यू। मुर्तजा, कोई जरूरी काम कर रहे हैं? जी कुछ नहीं, अगर आपको कोई काम था तो मुझे बता देते, मैं आ जाता। नहीं, काम तो कोई नहीं था, एक जरूरी मीटिंग आ गई है इस्लामाबाद, जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, तुम जानते हो घर में क्या हालात चल रहे हैं। एक नया सवाल खड़ा हो जाता है मेरे लिए और मीटिंग स्किप भी नहीं कर सकता, तुम्हारे ख्याल से क्या करना चाहिए मुझे? हाँ तो मीटिंग करने में चला जाता हूँ इस्लामाबाद। ग्रेट, फिर तुम चले जाओ, मैं तुम्हारे टिकट्स अरेंज करवा देता हूँ और हैकिंग अच्छी तरह कर लेना क्योंकि एक महीने का स्टे। थैंक्स सर। जहां से कहां थे आप? मैं आपका कब से वेट कर रही थी। 6 घंटे इतने तवील होते हैं, आज पता चला मुझे। 6 साल भी इंतजार करती रहोगी ना तब भी तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। जहांजेब, मैंने अपने दिल को बहुत समझाया लेकिन ये दिल आपको भूलने को तैयार ही नहीं है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं, आपको क्यों नहीं दिखती मेरी मोहब्बत? मैंने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया और आप उस आफरीन के लिए मुझे ठुकराते हैं। आफरीन आपके लायक नहीं है, शी इज चीटिंग ऑन यू, वो एक चीप लड़की है और उस नौकर के लिए आप मुझे ठुकरा रहे हैं। आप ये कैसे कर सकते हैं? मेरी मोहब्बत क्यों नहीं दिखती आपको? आज के बाद तुमने सुना की बकवास की तो आई विल नॉट टॉलरेट। सुन रही हो तो मैं क्या कह रहा हूं? क्या हो रहा है सर? पूछो इससे क्या हो रहा है। एवरीथिंग ऑल राइट? सानिया क्या है ये सब? मैं जहांजेब से मोहब्बत करती हूँ लेकिन शायद जहांजेब और मेरी किस्मत के सितारे हमेशा एक दूसरे से दूर ही गर्दिश करते हैं। पहले सोफी की शादी जहांजेब से हो गई, मैंने अपनी मोहब्बत दिल में ही दफन कर दी लेकिन जिंदगी ने फिर एक बार उम्मीद दिलाई। तब आफरीन ने उसको राख कर दिया, मैंने उसके सामने हाथ जोड़े, अपनी मोहब्बत की भीख मांगी लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। आफरीन की शादी नूर अम्मी के एहसानात की कीमत थी सानिया, जिसके लिए वो राजी भी नहीं थी मगर उसने खुशी खुशी एक कीमत अदा कर दी। सानिया देखो, ऑनेस्टली जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जहांजेब को भूल जाओ और हम सब लोग तुम्हारे लिए जहांजेब से बहुत अच्छा लड़का तुम्हारे लिए ढूंढ देंगे, डेफिनेटली। मुर्तजा ये दिल है, अगर इतनी आसानी से किसी को दिल से निकाला जाता तो दुनिया में कोई कम ही नहीं होता। सानिया देखो, जहांजेब तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी। कोई फायदा नहीं है, सब कोशिशें बेकार हैं और अब
अफसोस की बात तो ये है कि जहाजीब जिसके इश्क में दीवाना हो रहा है उसको उसकी कोई कदर ही नहीं है। आफरीन जहाजीब को चीट कर रही है। ऐसा नहीं है आफरीन, आफरीन किसी को चीट नहीं कर सकती, मैं जानता हूं उसे। क्या तुम नहीं जानते आफरीन तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखती है? मैं उसकी आंखों में देख चुकी हूं और ये बात मैं बहुत जल्द सबके सामने साबित कर दूंगी। जहांजेब को उसकी जिंदगी से निकाल दूंगी। सानिया, आफरीन जहांजेब की जिंदगी में रहे या ना रहे, मगर मैं तुम्हें जहांजेब से हरगिज शादी नहीं करने दूंगा। क्यों? मैं भी आपको जहांजेब के काबिल नहीं लगती। नहीं, जहांजेब तुम्हारे काबिल नहीं है। अगर मैं जहांजेब के काबिल नहीं हूं तो फिर मैं अपनी काबिलियत थोड़ी गिरा लेती हूं। वो तो ठीक रहेगा ना? अखियां नूं रहण दे, अखियां दे कोल कोल।